हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक। देखिए, सीरीज़ के ऑलमोस्ट हमारे पास 6 लेक्चर्स हो चुके हैं और 6 बहुत बढ़िया लेक्चर्स हैं, एक से एक क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज एक ऐसा लेक्चर है मेरे पास जो बेसिकली मैं बोलूँ रेशो और प्रोपोर्शन की आपके पास अप्लीकेशन बोल सकते हो, और जिसका नाम क्या है मेरे पास, पार्टनरशिप यानी साझेदारी। पार्टनरशिप क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा, बट इसके अंदर कुछ अजीब तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे मैं ए और बी की बात करूँ, इन दोनों ने पैसे लगाए, बट ए ने कुछ टाइम के लिए अलग लगाए, बी ने कुछ टाइम के लिए अलग लगाए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर यहाँ पे पूछे जाते हैं। समझ आ गई बात? उसी तरह के क्वेश्चंस को आज हम टैकल करेंगे और देखेंगे इस पार्टनरशिप के चैप्टर को। मैं बता देता हूँ बेसिकली पार्टनरशिप होता क्या है। देखो जरा, देखो जैसे मैंने बात की, ए है और ये मेरे पास बी है। ए ने लगाए 1,000 रुपये, बी ने लगाए 2,000 रुपये। ठीक है, तो इनका रेशो कितना हुआ, 1:2 हुआ। इन्वेस्टमेंट का, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही मेरा किसका रेशो होता है बेटा, प्रॉफिट का रेशो होता है। ध्यान रखना, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो वही किसका, प्रॉफिट का रेशो। कि अगर ज़्यादा पैसे ए ने लगाए हैं तो डेफिनेटली रेशो भी किसका ज़्यादा होगा, ए का। अगर बी ने ज़्यादा पैसे लगाए हैं तो डेफिनेटली पैसे भी किसको मिलने चाहिए ज़्यादा, वो बी को ही डेफिनेटली मिलने चाहिए। ठीक है, चलो बिफोर दैट एक धमाकेदार ऑफर से बी को, बच्चों आप सबके लिए बेसिकली ऑफर क्या है, ये ऑफर आपके करियर से संबंधित है। जो बच्चे 10वीं क्लास अभी करके आए हैं, जो 12वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हैं, और जिन्होंने SSC MTA से हवलदार का पेपर भरा, ठीक है। देखो, 2200 प्लस सिलेक्शन सिंस 1999, क्रैक SSC MTA फुल कोर्स विद BPD ओनली फॉर 2500, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये। 2500 रुपये में क्या आता है, बट यहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है 2500 रुपये में, आप सेफ हैंड्स में। बिकॉज यहाँ पे 2500 में क्या मिलेगा आपको, आपको एप्टीट्यूड भी मिल रहा है, आपको इंग्लिश भी मिल रही है, आपको रीजनिंग भी मिल रही है, आपको GK प्लस GS का पूरा सेक्शन मिल रहा है, प्लस PDFs के साथ। समझ आ गई बात, समझ आ गई? और साथ में आपको टॉपिक की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, वो कैसे वो आपको बताऊंगा माइक्रो कोर्सेज में अच्छे से। क्लियर है? सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऑलमोस्ट 45% का ऑफर है, लिमिटेड पीरियड ऑफर भी बता रहा हूँ मैं। इनरोल करो, बहुत सारे बच्चे अभी से क्लासेज ले रहे हैं, इसको कर रहे हैं। और अगर डाउट क्लास है, मतलब अगर डाउट पूछना है, तो आप क्वेश्चन पे जब क्लिक करोगे एरर का, तो मेरे पास अपने आप वो डाउट पहुँच जाएगा। क्लियर है? चलिए तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, पार्टनरशिप के। चलिए, ए एंड बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन रेशो 3:2। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड एज शेयर इज 855, द टोटल प्रॉफिट इज, देखो मेरी बात सुनो, सपोज करो टोटल प्रॉफिट 100% है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना मेरा 100%, 5% चला गया चैरिटी में, ठीक है, तो कितना बचा, 95%। इसका मतलब ये 95% अब किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए प्लस बी में। सिंपल सी बात तो यही है ना, कि अगर मैंने 100 रुपये कमाए, सपोज करो मैं 5 रुपये चैरिटी में डालता हूँ, 5 रुपये चैरिटी में गए, उसके बाद क्या हुआ, वो चैरिटी में गए तो अब हुआ क्या, 5 तो गए, कितने बचे, 95। अब 95 तो मेरे और मेरे पार्टनर में भाई डिवाइड होंगे। क्लियर? अब देखो क्या है, ए एंड बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन 3:2। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, 5% गया चैरिटी में एंड ए शेयर। देखो अभी ये क्या है मेरे पास, 3:2, ए शेयर यानी ए ये मेरे पास और ये मेरे पास बी है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 855। कितने टाइम्स गया, देखो 855/3 कर दो, ओ सॉरी 3 ना कि 8, कितना आया, 3 2 6, 3 8 24, 3 5 15, 25 टाइम्स आ गया, 25 टाइम्स आ गया। इसका मतलब टोटल जो इन्हें पैसे मिलेंगे कितने मिलेंगे, 285 × 5, ये कितना आ गया, देखो इसको लिखो, 300 − 15 × 5, 1500 − 75, ये कितना आ गया, 1425 आ गया। अब सीधी सी बात देखो, इसका मतलब मेरे को क्या दिया है, 95% की वैल्यू कितनी है, 1425,
मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, इसे काट लो जरा, ये 19 पे कटा और ये कितने पे कटा, 20 पे कटा, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, देखो 19 गुना 7, देखो 19 गुना 7 कितना होता है मेरे पास, ये होता है 133, ठीक है, मतलब 7 टाइम जाएगा, 133 में से कितना बचा मेरे पास, और ये बचा 95, तो ये कितना टाइम जाएगा, तो 75 टाइम्स हो गया। कैलकुलेशन आराम से करने, कैलकुलेशन में कोई जल्दी करोगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो बेटा 20 गुना 75 कितना आ गया मेरे पास, 1500। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो बिना डरे बिना झिझके इस क्वेश्चन को आपने करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC started a business with their investment in the ratio 1:3:5. After 4 months, A invested the same amount as before and B and C withdraw half of their investment. The ratio of their profit. देखो मुझे क्या दिया भाई, A है, B है और C है। मैंने मान लिया ये क्या था 1:3:5, मैंने मान लिया 10 है 30 और ये कितना है 50 है, 10:30:50 है। वो कह रहा है आफ्टर 4 मंथ्स ए इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, इसका मतलब अगर ए की बात करूं, ए ने क्या किया 4 महीने तक 10 रुपये लगा के रखे, मैं 10, 30 और 50 मान लेता हूं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब अगले 8 महीनों में उसने क्या किया, अगर उसने ए इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, इसका मतलब अगले 8 महीने 20 किया, ठीक है, और बी ने क्या किया, बी ने क्या किया, बी एंड सी विड्रॉ हाफ ऑफ देयर, बी ने देखो 4 महीने तक कितने लगाए 30 प्लस अगले 8 महीने कितना 15, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। सी के बारे में क्या हुआ 4 गुना 50 प्लस 8 गुना 25, ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया 40 और 160 200 हो गया, 40 प्लस 160 200 हो गया, ये कितना हो गया 120 प्लस 120 240 हो गया। चलिए और ये कितना हो गया मेरे पास 200 प्लस 25 इक्वल टू कितना 400, तो ये कितना है, मुझे बताना क्या है द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, बस यही होगा जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, यानी 200 रेशो 240 रेशो 400, काटिए जरा इसको, 4 5 20 4 6 24 4 10 40 5 6 10, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्लियर। सो ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़ने नहीं है भाई पार्टनरशिप के, समझो एक आधा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं टकर जाएगा, मैं बता रहा हूँ प्री एमएस में, अच्छा सॉरी एमटीएस में टकर जाएगा आपके पास टायर में आपके, ठीक है, प्री एमएस नहीं में आ जाएगा। देखो क्या दिया, ए एंड बी रेंटेड अ पोस्चर, कोई बड़ा टाइप, ए पुट्स 10 ऑक्शन फॉर 7 मंथ, बी पुट्स 12 ऑक्शन फॉर 5 मंथ एंड सी पुट्स 15 ऑक्शन फॉर 3 मंथ्स फॉर गेजिंग। इफ देयर रेंट ऑफ देयर पोस्चर इज 175, हाउ मच सी पेस एज हिज शेयर ऑफ रेंट। करिए इस क्वेश्चन को जरा, कैसे करें ट्राई करो, देखो ए आ गया, बी आ गया और ये सी आ गया, ठीक है। ए पुट्स 10 ऑक्शन फॉर 10 मंथ्स, मतलब 10 ऑक्शन फॉर 7 मंथ, ए की इन्वेस्टमेंट ही होगी टोटल। बी ने क्या किया 12 फॉर 5 मंथ, 12 ऑक्शन फॉर 5 मंथ और सी ने क्या किया भाई 15 3 महीने के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 5 से कट रहे, 5 2 10 5 और 5 3 15, तो कितना हो गया 2 7 14 12 और 3 3 9 14 12 9 आ गया रेशो, चेक कर लो एक बार, अगर मैं 70 भी करता 70 60 और 45, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है ये, टोटल कितना दिए 175, तो ये कितना हो गया अपना 14 प्लस 12 प्लस 9, ये कितना हो गया 26 और 9 कितने हो गए बेटा
छब्बीस 35 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मुझे 175, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स आ गई। तो मुझसे क्या पूछ रहा है वो, सी पेज एट द रेंट, सी के कितने हैं 9 गुना 5 कितना हो गया मेरे पास 45, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो ए 45 बिल्कुल सही आंसर है इसका, प्लीज नोट कर लें इसको। चलिए होपफुली क्लियर हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। चलिए भाई ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अगर आपको बढ़िया से करना है तो क्या दिया है, 4 टाइम्स ऑफ A's कैपिटल इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ B's कैपिटल इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ C's कैपिटल आउट ऑफ द प्रॉफिट 4650 C विल रिसीव। देखो क्या दिया मेरे पास, 4 टाइम्स ऑफ A शेयर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ B शेयर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ C शेयर। अब आप पहली बार कर रहे हो तो बता दूं आपको, शॉर्टकट बाद में बताऊंगा, पहले समझिए इसको कैसे कर। इसको मैंने लिखा के टाइम्स, ठीक है, यानी 4A कितना आ गया मेरे पास K, A कितना आ गया K बाय 4, 6B इक्वल टू K, B कितना आ गया K बटा 6, 10C इक्वल टू K, तो बेटा ये कितना बचा मेरे पास, 1/4 1/6 1/10 ये बचा ये बचा। अब कुछ मत करो, 6, 4 और 10 का एलसीएम लो, लो जरा 6, 4, 10 का एलसीएम लो, 60 आ गया, ये सबको 60 से गुणा कर दो, 6:10:15:10 ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को क्या कह रहा है, टोटल कितना दिया भाई, 15, 10, 25, 31, 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4650, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो कितने बचा, 31 टाइम्स 31 कितने बचे मेरे पास, 155, तो 130 टाइम्स गया मेरे पास, ये 130 टाइम्स गया। अब क्या कह रहा है, सी विल रिसीव, सी के पास कितने आएंगे, क्या 155 बचा ना, तो 5 टाइम्स ही जाएगा, सो ए बी और सी, सी विल रिसीव, एक बार चेक करो जरा, ये कैलकुलेशन गलत तो नहीं है, 13 × 13 और कितना बचा, 15 ही बचेगा, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं इसको एक बार, बाकी तो मुझे कुछ गलत लग नहीं रहा इसमें, चलिए कैलकुलेशन चेक कर लें इसकी, चलिए कैलकुलेशन। अच्छा और है यार, यहाँ पे 0 आएगा, 5 क्यों लगा रखा, अच्छा खासा सब लिखा हुआ है 5 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, 150 × 6 कितना आ गया मेरे पास, 900 आंसर है, यस ऑप्शन नंबर सी। मैं वही देख रहा था कि जीरो, मुझे डाउट क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 155 करता हूँ और 31 से करता हूँ, एंड में 5 आएगा, किसी भी ऑप्शन में 5 आएगा, यहाँ से मुझे पता चला कहीं पे गड़बड़ की है, लिखना था 150 और लिख गया 155। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब देखो इसका शॉर्टकट कैसे बनता है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि डायरेक्ट मेरे पास ये रेशो कैसे आएगी। देखो देखो अगर मैं लिखूँ, मैंने जैसे लिखा, इसके एक हटा दो, सो ए क्या आएगा, तीनों का एलसीएम लो, 10, 6 और 4 का कितना आ गया, 60 आ गया, 60/4 = 15, बी कितना आएगा, 60/6 = 10, सी कितना आएगा, 60/10 यानी कितना, 6, ये रेशो था। आगे से आपने ऐसे ही करना, कोई अलग चीज़ नहीं अपनानी, ठीक है। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अ कैपिटल विद एज कॉन्ट्रीब्यूशन इज 10,000 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 1,000 ए गेट्स 500 बी गेट्स 300 एंड सी इज कैपिटल। अच्छा सी का कैपिटल बताना, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करोगे, हाँ ट्राई कर लो, कोई बात नहीं, कर लिया, हुआ नहीं, अच्छा हो गया,
चलो जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ मैं करवाता हूँ। देखो क्या दिया, मतलब ए के पास कितने पैसे हैं भाई, ए ने 10,000 रुपये लगाए ठीक है। अब देखो आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 1,000, यानी प्रॉफिट की बात करूँ, प्रॉफिट ऑफ ए प्लस प्रॉफिट ऑफ बी प्लस प्रॉफिट ऑफ सी, वो कितना मेरे पास 1,000 ठीक है। ए को कितने मिले हैं 500, बी को कितने मिले हैं 300 प्लस प्रॉफिट ऑफ सी इक्वल टू कितना 1,000। इसका मतलब प्रॉफिट ऑफ सी कितना आ गया मेरे पास 1,000 माइनस 800 इक्वल टू कितना 200 आ गया। इसका मतलब जो मैंने शुरू में क्या बताया, जो मेरे इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है बेटा, वही किसका रेशो होता है मेरे प्रॉफिट का रेशो होता है। तो प्रॉफिट का रेशो कितना है मेरे पास, प्रॉफिट ऑफ ए रेशो प्रॉफिट ऑफ बी प्रॉफिट ऑफ सी। प्रॉफिट ऑफ ए कितना है मेरे पास 500, बी कितना 300 और सी कितना 200। तो 5:3 तो जो प्रॉफिट का रेशो है वही किसका होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा मेरा ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, अब ए का कंट्रीब्यूशन कितना दिया मुझे 10,000, कितने गुना 2,000 गुना। तो मुझसे क्या पूछा, सीज कैपिटल, आंसर इज 4,000, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नोट कीजिए। सो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो भी हमने खत्म किया ठीक है। चलिए बढ़िया से इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे। और भैया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, यही चीजें जो आप अभी कर रहे हो ठीक है। रीना एंड शालू आर पार्टनर इन अ बिजनेस, रीना इन्वेस्टेड ₹35,000 फॉर 8 मंथ एंड शालू इन्वेस्टेड ₹42,000 फॉर 10 मंथ। देखो भाई रीना है देखो 35,000 की रीना ने 8 मंथ्स के लिए ठीक है, शालू इन्वेस्टेड 42,000 फॉर 10 मंथ। अब मेरे बेटा मेरी ध्यान से बात सुनो, जो अननेसेसरी की कैलकुलेशन है, आपको पता है मैंने रेशो बनानी है, अननेसेसरी कैलकुलेशन कैसे अवॉइड कर सकता हूँ मैं, 3 0 यहाँ से हटा दो, 3 0 यहाँ से हटा दो, 7 5 35 7 6 42 4 3 5 2 10 2 2 4 तो ये कितना बन गया है, कहाँ तो 35 गुना 8 और कहाँ 42,000 गुना 10, और क्या बचा मेरे पास सिर्फ 2:3। समझ आ गई बात। चलिए अब मुझे क्या पूछ रहे हैं, रीना शेयर इज, देखो भाई रीना का शेयर टोटल आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ, देखो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 31570। देखो जरा 5 6 30 ठीक है, 5 3 15 सो 6 3 14 टाइम्स किया, सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 3 14। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, रीना शेयर, रीना का शेयर कितना 2, सो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 times 6 3 14 126 12,628 is the right answer of this brilliant question. Clear? So please do like, share and subscribe the channel. चलिए चलते हैं next question की तरफ। Next question is A and B begin with the business business with 3,000 4,000 after 8 months, A withdraw 1,000। देखो शुरू में क्या दिया question में, ध्यान से समझिएगा question को। A है, ए ने क्या किया 3,000 रुपये लगाए ठीक है, और बी ने क्या किया, ए ने 3,000 और बी ने 4,000 रुपये लगाए सूर्य ठीक है। आफ्टर 8 मंथ ए विड्रॉ, इसका मतलब ए ने क्या किया होगा, ये जो 3,000 है बेटा 8 महीने तक लगाए होंगे, यानी यहाँ कितने पैसे मिले इसको 24,000 मिल चुके हैं 8 महीने में। ये थोड़ी थोड़ी बातें समझो क्लियर। उसके बाद क्या किया, ए विड्रॉ 1,000 और अब एक ने क्या करना है भाई, एक विड्रॉ कर लिया तो 2,000 बचे और अगले 4 महीनों के लिए, तो ये कितना हो गया 8,000। तो इसका मतलब ए का टोटल अमाउंट कितना हो गया मेरे पास 32,000। ये चीज़ क्लियर है, बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करके चलना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बी एडवांसेस विद 1,000 मोर, इसका मतलब
बी ने क्या किया, 4000 लगाए 8 मंथ्स के लिए, ये होगा 32,000। फिर बी ने क्या किया, इसको मैं प्लस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ अजीब ना लगे, अगले 4 महीनों के लिए 5000 यानी कितना, यानी 52,000 भाई ये हो गया। ठीक है, क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, देयर प्रॉफिट अमाउंट इज 630। देखो 32,000 और 52,000 यानी 52,000, देखो 4 × 8 = 32 और ये 13। ये क्या बोल रहे हैं कि ए का जो है ए रेशो बी अगर मैंने निकाला बेटा कितना आया, 8:13, यानी मैं क्या बोलूंगा 21 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 630 रुपीज़। ए की वैल्यू कितनी आ गई 30। अगर ए की वैल्यू 30 आ गई मुझे किसका बताना है, ए का। सो 8 × 30 इज हाउ मच, 240 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों को तो बस अब अच्छे से बेटा मुझे करना है, क्लियर है। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, एबीसी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, दे इन्वेस्टेड 40,000, 80,000, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। बी विड्रॉ 40,000 वाइल एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सी विड्रॉ 80,000। इन वट रेशो देयर प्रॉफिट बी शेड एट द एंड ऑफ थ्री ईयर। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ, हटा दो, मैंने माना भाई ए ने 4 किया, मतलब 4 4 0 हटा दो और यहां से भी 4 0 हटा दो, मतलब मैंने माना कि ए के पास 4 था, बी के पास 12 था और सी के पास कितना था, सॉरी 8 एंड 8 था और सी के पास क्या था, 12 था। अब देखो जरा गेम क्या कह रही है, पहले एक ही कर लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बी विड्रॉ 40,000, चलो बी का दिया है, मतलब बी ने क्या किया होगा, बी का कितना 8, पहले एक साल के लिए 8, ठीक है, उसके बाद बी विड्रॉ 40,000 वाइल एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर सी विड्रॉ 80,000। इसका मतलब इसने कितना विड्रॉ कर लिया, बी विड्रॉ 40,000, यानी 4 बचा, हटा दो 4 0, 4 बचा और लास्ट के 2 साल के लिए, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। देखो बी का कहीं अमाउंट आ रहा है, बिल्कुल 4 आ रहा है मुझे तो, यही दिख रहा है। सी ने क्या किया, वाइल एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर सी विड्रॉ 80,000, 2 साल तक सी ने 2 लगा के चला, है ना, 12 लगा के चला, एट द एंड ऑफ द आफ्टर एंड सेकेंड ईयर सी विड्रॉ 80,000, तो 8 12 में से 8 गए, 4 बचे, 4 गुना है, तो ये कितना हो गया, 12 × 24 और 4 28, क्या 4:7 आ रहा है, 4:7, बिल्कुल, देखो बी मेरे को लग रहा है। और ए के साथ क्या हुआ, ए ने 4 के 4 3 साल के लिए लगाए, 12 हो गया, तो 12 16 और 28, 4 × 3 = 12, 4 × 16 = 4 × 7 = 28, 3 4 7, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्लियर होगी बात, ऐसे करने हैं क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप इसको 10,000 की या लैक की उसमें लेके चले गए, कैलकुलेशन सोचो कहाँ पहुँचेगी आपकी, तो क्या वो क्वेश्चन नेसेसरी होगी, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होगी, वो अननेसेसरी की कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हैं अगर इस क्वेश्चन को इतना बढ़ा के लिखेंगे, तो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, चलो ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद 3500 एंड आफ्टर 5 मंथ्स बी ज्वाइन विद ए एज हिज पार्टनर, आफ्टर अ ईयर द प्रॉफिट डिवाइडेड इन 2:3, व्हाट इज बी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कैपिटल, बताओ। देखो ए ने क्या किया, 3500 आफ्टर 5 मंथ्स बी ज्वाइन, मतलब ए ने क्या किया है, 3500 12 के 12 महीने के लिए लगाए, और बी की बात करें कुछ नहीं पता, बी का एक्स मान लो, और अगर 5 महीने बाद लगाए हैं तो 7 महीने के लिए लगाया होगा, रेशो क्या बनेगी, देखो × 12 रेशो 7x, और ये कितना दिया मुझे 2:, इसे काट दो जरा, 500 आ गया, यानी 500 × 12 / x बराबर कितना है, 2/3, तो ये कितना हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस
ब्रिलियंट क्वेश्चन, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगर है तो हमारे पास। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और सारे इंपॉर्टेंट भी, मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे आइए और जुड़िए हमारे साथ। शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए स्टूडेंट्स। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास है माइक्रोवर्स, यानी माइक्रो कोर्स। ये माइक्रो कोर्स क्या है या माइक्रोवर्स आपने सुना क्या है? सिर्फ और सिर्फ अभी बीडे ने लॉन्च किया और कहीं पर नहीं। आपको पूरा चैप्टर ना करके आप उन टॉपिक्स पर फोकस कीजिए जो आपको लगता है कि आपको नहीं आते, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इन चैप्टर्स पे फोकस करना है बेटा। जैसे मैं बात करूं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, ज्वाइन करना मत भूलिए, ठीक है। देखिए सारा सब्सक्रिप्शन, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड माइक्रो कोर्सेज, हमें जाना है माइक्रो कोर्सेज के ऊपर। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे से जुड़ने के लिए, अपने 10 चीज का मोबाइल नंबर डालिए, हमारी टीम खुद आपको कॉल करेगी। जो भी कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा, वो साथ के साथ ही ऑन द स्पॉट, ऑन द सेम डे क्लियर हो जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश, करंट, स्टैटिक जीके, जनरल स्टडीज़ एंड लॉजिकल रीजनिंग, हर एक का अलग अलग माइक्रो कोर्स है। जैसे मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूँ बेटा, 1464 रुपये में पूरा आपको एप्टीट्यूड मिल रहा है। बट अगर आप जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन करना चाहें 16 रुपये का। देखो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपको पता है हर में आता है, चाहे वो MTS हो, CHSL हो, आपका CPO हो या आपका CGL प्री मेंस कहीं पे भी हो। तो ये सिर्फ 63 रुपीज़ का है MTS के लिए, और सिर्फ दो लेक्चर मिल रहे हैं, सिर्फ 63, दो लेक्चर, चार वेबनोट्स और 149 धमाकेदार क्वेश्चन जिसमें प्रीवियस ईयर खत्म है। अभी 149 क्वेश्चन का क्या खेल है, मैंने जैसे ही बोला था टेस्ट सीरीज में वहां पर रुक गया था शुरू में। इसका मतलब क्या है कि इन 149 क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, 20-20, 25-25, 30-30 का बंडल बनाइए, इनको कलेक्ट कीजिए और सेम उसी पैटर्न पे पेपर देंगे आप, क्वेश्चन पेपर आएगा जैसे SSC CGL का आता है हमारा, या MTS का आता है, या CHSL का था, या CPO का था। बेसिकली आप MTS की तैयारी करें तो MTS का ही वहां पे लिखा हुआ आएगा, लेवल भी वही रहेगा पेपर का, CGL का लेवल नहीं रहने वाला, क्लियर। क्योंकि स्पेशली कोर्स डिजाइन ही SSC MTS के लिए किया गया, सिर्फ और सिर्फ 2500 का कोर्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, सब का अवेलेबल है, जो आप लेना चाहें लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू।